अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। ओके जी, आज जो मैं बताने जा रही हूँ रेसिपी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि शायद कोई रेसिपी है, ये रेसिपी नहीं है, ये नुस्खा है दिमाग की कमज़ोरी के लिए, आँखों के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए। स्पेशली ये नुस्खा बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक नुस्खा है। इसको आप लोग घर में बनाएं, यूज़ करें, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा है। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए हैं जो कि मेरे पास मौजूद हैं और मैं बनाने जा रही थी। सोचा कि क्यों ना इस पे वीडियो बना लूँ और आप लोगों को दिखाऊँ, ये सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है। यहाँ पे लिए हैं मैंने आलमंड, बादाम जो कि अपने हद पे ज़रूरत, जितना आप बनाना चाह रहे हैं जितनी क्वान्टिटी में उतना ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ बादाम लिए हैं और यहाँ पर हरा पिस्ता लिया है जिसको मैंने साफ़ कर लिया गुठलियों में से निकाल के, और यहाँ पर लिए थे ये जो है अखरोट की गिरी ली है, अखरोट में से निकाल ली है मैंने, ठीक है। ये आपको वैसे भी गिरी मिल जाती है अखरोट की, और चाहें तो आप अखरोट ले सकती हैं, मैंने अखरोट लिए थे तो उसमें से ये निकाली है मैंने। और यहाँ पे जी है नारियल कुछ इस तरह से है जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छे से, बारीक सा। एक पाउडर फॉर्म में नारियल होता है, वो नहीं लेना आपने, क्योंकि वो तो सिर्फ एक उसका रस निकला होता है, उसमें से तेल निकाला होता है और उसमें कोई असर नहीं होता। वो तो चीज़ों की डेकोरेशन के लिए होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसलिए खुद नारियल लेके उसको इस तरह से मतलब कर लें, पीस लें, कद्दूकश कर लें। पीसा तो नहीं जाता ये, क्योंकि ये साथ जुड़ जाता है, इसमें ऑयल होता है। और उसके बाद इसको मैंने अच्छे से बारीक फॉर्म में कर लिया है, इसको कद्दूकश कर लिया है, जिसको आम जबान में कद्दूकश कहते हैं, वो कर लिया है। ओके जी, ये चार चीज़ें हो गई हैं, बादाम की गिरियाँ और पिस्ते और अखरोट की गिरी, और साथ है जी यहाँ पे नारियल। आपको पता है ड्राई फ्रूट्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों को देने चाहिए। और साथ ही जो एक स्पेशल चीज़ है जो कि बहुत हमारी दादियाँ नानियाँ, ये मेरी अम्मी का नुस्खा है, वो हमें बना के देती होती थी मुझे शादी से पहले भी, और अब भी बनाती हैं, भाइयों को देती हैं बना के। ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आप लोग अपने बच्चों को दें बना के, घर में बनाएं। और इस सबसे स्पेशल चीज़ जो इसमें डालनी है, जिसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, जो कि ये फुल मखाने इसको बोलते हैं, पंसार की शॉप से ये आसानी से अवेलेबल होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। आप इसको इसको आम जबान में फल मखाने कह के बुलाते हैं, ठीक है। ये ले लिए हैं, ये तकरीबन 100-150 रुपए के लिए हैं, ठीक है ना, ये इतने सारे आ गए हैं, प्लेट भरी हुई है। और इसको जी ये भी ये पीसे नहीं जाते, इसको ना इसको भी अच्छे से ये ग्राइंड नहीं कर सकते, ये होंगे नहीं ग्राइंड। इसको पाउडर की फॉर्म में भी ये मिलता है, तो बेहतर है कि आप ये इस तरह लेके इसको खुद पीसें। इसको आपने हल्का सा ऑयल फ्राई पैन में लगा के हल्का सा, और इनको हल्का सा फ्राई करना है और गरम गरम इनको पीस लेना है, फिर अच्छे से ये पीस जाती हैं, वैसे ये पीसते नहीं सही तरह, ठीक है। अगर आप ऑयल लगा के हल्का सा, और फ्राई पैन में, फिर से बता रही हूँ, फ्राई पैन में हल्का ऑयल लगाना है और इनको फ्राई करना है हल्का सा, और गरम गरम इनको पीस लेना है, फिर अच्छे से पीस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको पाउडर फॉर्म में ले लेना है, पाउडर फॉर्म में भी मैं आपको दिखाऊंगी। इन सबको आपने अच्छे से, ये कितनी चीज़ें हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 चीज़ें हैं। चाहें तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इन 4-5 चीज़ों को अच्छे से आपने इनको पाउडर फॉर्म में बना लेना, इनका पेस्ट अच्छे से पीस लेना है, सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। साथ ही इनको फुल मखानों को भी, फुल मखानों का फ़ायदा ये है कि ये विटामिन से भरपूर होते हैं। हम लोग टैबलेट्स खाते हैं, इतना कुछ खाते हैं, सच बताऊँ ना, ये कमर के दर्द के लिए विटामिन होते हैं, औरतों के लिए ये बहुत अच्छे हैं, मर्दों के लिए भी ये बहुत ताकत वाले होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सारे पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप इनको यूज़ करें, इसको आप अलग-अलग से पाउडर बना के भी इनका एक चम्मच दूध के साथ ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इसे ये कि कमर का दर्द शदीद होता है ना, सी सेक्शन के बाद तो बहुत ज़्यादा पेन होता है वुमेन में ना, तो ये बहुत अच्छा है ये नुस्खा, तो उसके लिए, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। अच्छा जी, इन सबको मिक्स कर लेना। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं, इन सबको अच्छे से, नुस्खा की तरफ सॉरी, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इनको पाउडर फॉर्म में ले आना है। पाउडर फॉर्म में जब बन गया
तो आपने 2 चम्मच लेनी है डेली रात को सोने से पहले दूध में पका के, दो अगर एक कप है एक मग है दूध का तो उसमें आपने 1 गिलास है 2 चम्मच डालने हैं और उसको अच्छे से पका लेना है दूध को। पकाने के बाद उसको आपने पीना है और ये बहुत अच्छा नुस्खा है, ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, स्पेशली ये पट्ठों की कमजोरी के लिए बहुत अच्छा है। आप लें, यूज़ करें और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।